देश की राजधानी दिल्ली में श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा रामायण का भव्य आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अब रामायण को नए तौर पर पेश करने के लिए ये कमेटी तैयार है। बता दें कि देश को रामराज्य बनाने के लिए इस रामायण का आगे विस्तार कर नए स्वरूप में दिखाने की योजना चल रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के होटल रॉयल प्लाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां जानकारी दी गई कि 10 जून को लाल किला के परेड मैदान में एक लाइव रामायण का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश को रामराज्य बनाने के लिए आगे की मुहिम चलेगी। बता दें कि इस मौके पर सिद्धांत इसर, पुनीत इसर और बिंदुधारा सिंह मौके पर मौजूद रहे, जो इस रामायण में लाइव अटक करके दिखाएंगे। इनका कहना है कि ये रामायण चलेगी जो लाइव दिखाई जाएगी और इसमें जो है नई तकनीकों का इस्तेमाल भी होगा। और जो गाने गाए हैं, तो ये जो है ये धार्मिक रामलीला जो करवा रही है, तो इसमें देयर इज नो टिकट टू, ओनली बाय इनविटेशन लोगों के लिए। हमारा ये प्रयास ये है धीरज जी का, हमारा कैसे हम हर जगह करें, ऐसा करें कि ताकि हर वर्ग के लोग इसे अवश्य देखें। ये पहला हम मंचन कर रहे हैं जो सिटी फोर्ट में है, और फिर ईश्वर की कृपा रही तो इसको आगे बहुत सारे हम पूरे देश भर में करेंगे। जी मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने मेरा एक प्ले है महाभारत एंटरटेन, जिसे मैंने लिखा है, जिसका मैंने निर्देशन किया है, उसको मैंने पार्ट प्रोड्यूस किया है। अब ये था कि ये प्रोडक्शन हाउस हमारा है, हमने जय श्री को बहुत ही भव्य पैमाने पर बनाया है। मैं जो अगला बनाने जा रहा हूं वो जय श्री कृष्णा है और गीता सार, अगला जो है वो गीता सार हम वो मैं बनाने जा रहा हूं। नहीं जी, ये लाइव मंचन है जी, ये हमारा पहला, हमारी शुरुआत है। एक बार मुझे जैसे अच्छे कार्य में आया हूं तो धीरज जी जुड़े, वीरेंद्र जी जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका पूरा एक दिल है कि ये पूरा ओपन में कराया जाए, जहां पे एक लाख लोग एक बार देख सके, 50,000 लोग देख सके, शायद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हम सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस नाउ कि किस तरह इसको, और क्या होगा कि फिर लगातार रहेगा कि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे तो 3 आउटडोर शोज करें, इसको पूरे देश भर में ट्रेवल करेंगे, हर स्टेट में हम लेकर जाएंगे। ये तो शुरुआत, बस पहला कदम है, आगे अथाह सागर है, तो पहला कदम हम रख रहे हैं। ये राम का कार्य है, अगर हम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खोलते हैं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी दिखा सकते हैं सब कुछ, तो वो आजकल की जनरेशन को रिलेट करेगा। मूवी है केरला स्टोरी, उसको उसमें एक डायलॉग है, एक लड़की बोलती है कि अगर हमने आपने हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताया होता तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता। बिल्कुल तो सही, क्या लगता है आपको ये शो जो आप लेकर के आ रहे हैं कितना कुछ जो है बेनिफिट देगा? देखिए क्या है कि सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चों को, ये मैं अपना दोष मानता हूँ कि हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। आप जब देखिए बहुत अच्छी बात है, वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। क्रिश्चियन का बच्चा चर्च में जरूर जाए, सरदार का बच्चा गुरुद्वारे जरूर जाए, उसको अपने रिलीजन के बारे में पता है, ये काबिल तारीफ बात है। वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को सक्षम कराना और बताना चाहिए कि कल अगर कोई आपके गॉड्स के बारे में या आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बात करता है, आप उसे मुंह में जवाब दे सके, आप बता सके कि नहीं भाई आप हमें हमारे धर्म के बारे में मत से, हमें अपना ज्ञान है तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमने बीड़ा उठाया, पूरा हम लोगों को बताएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, व्हाट इज हिंदुइज्म, ये सनातन धर्म है क्या, ये जो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक जरूर पहुंचे और इसकी कोशिश हम करें।